साउथ सिनेमा की दुनिया में बीते हफ्ते कई खबरें सुर्खियों में बनी रही। बीते हफ्ते सुपरस्टार विजय सेतुपति को लेकर एक बड़ी न्यूज सामने आई। दरअसल फिल्म स्टार विजय सेतुपति निर्देशक एटली कुमार की अपकमिंग फिल्म जवान में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान से भिड़ने की तैयारी में है। उधर अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म उस पार्ट 2 को लेकर भी एक जबरदस्त न्यूज सामने आई। रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म में एक खूबसूरत एक्ट्रेस की एंट्री होने वाली है, जबकि जूनियर एनटीआर की फिल्म एनटीआर 30 को लेकर चल रही खबरों पर अदाकारा जाह्नवी कपूर ने आखिरकार चुप्पी तोड़ दी। इस वीडियो में हम बीते हफ्ते भर चर्चा में रही साउथ सिनेमा की 5 बड़ी खबरों को कवर करने वाले हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म जवान को लेकर काफी चर्चे हैं। इस फिल्म को तमिल निर्देशक एटली कुमार बना रहे हैं। खबर है कि इस फिल्म में एक्टर विजय सेतुपति की धांसू एंट्री हुई है। वो इस मूवी में मेन विलेन का रोल निभाने वाले हैं। सुपरस्टार जूनियर एनटीआर की फिल्म एनटीआर 30 में बीते काफी दिनों से एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर का नाम चर्चा में चल रहा था। अब इन रिपोर्ट्स पर खुद एक्ट्रेस ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि वो इस फिल्म का हिस्सा नहीं है, अभी तक उन्हें यह फिल्म ऑफर नहीं हुई है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने जूनियर एनटीआर के साथ काम करने की इच्छा जाहिर की। टॉलीवुड सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म उस पार्ट 2 को लेकर भी एक दिलचस्प खबर सामने आई। सुनने में आया है कि इस फिल्म में तमिल एक्ट्रेस और द फैमिली मैन फेम अदाकारा प्रिया मणि की एंट्री हुई है। वो इस फिल्म में विजय सेतुपति की पत्नी के रोल में नजर आएंगी। अदाकारा काजल अग्रवाल ने हाल ही में खुलासा किया कि वो विक्रम फेम तमिल सुपरस्टार कमल हासन की फिल्म इंडियन 2 की शूटिंग जल्दी से शुरू करने वाली है। इसके बाद से ही कमल हासन के फैंस का क्रेज सातवें आसमान पर है। इस फिल्म की शूटिंग एक्ट्रेस काजल अग्रवाल 13 सितंबर से शुरू करेंगी। सुपरस्टार प्रभास की अपकमिंग फिल्म आदि पुरुष को लेकर भी एक धमाकेदार खबर चर्चा में रही। रिपोर्ट्स की माने तो ओटीटी कंपनी नेटफ्लिक्स ने इस फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स 250 करोड़ रुपये में खरीदे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।